प्रयागराज हिंसा का मास्टरमाइंड बताए जा रहे जावेद पंप के घर का मेन गेट बुलडोजर ने तोड़ दिया है। प्रयागराज हिंसा के मुख्य आरोपी जावेद के घर दो बुलडोजर पहुंचे हैं। मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया है। वहीं पीडीए ने नोटिस चिपकाकर मकान खाली करने के लिए 11 बजे तक समय दिया था। आपको बता दें कि प्रयागराज में नुपुर शर्मा के बयान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के मामले में एक्शन जारी है। प्रयागराज का अटाला इलाके में हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने जावेद को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने जावेद को इस हिंसा का मास्टरमाइंड भी बताया था। जावेद की गिरफ्तारी के बाद अब प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी पीडीए भी एक्शन में आ गई है। पीडीए ने जावेद के घर पर नोटिस चिपकाकर उसे खाली करने के लिए कहा था और अब भारी पुलिस बल के साथ जावेद के घर पहुंच गया है। पुलिस प्रशासन ने जावेद के घर को छावनी में तब्दील कर दिया है। वहां बुलडोजर भी पहुंच गया है, तो वहीं बुलडोजर ने जावेद के घर को ध्वस्त करना भी शुरू कर दिया है। बुलडोजर ने जावेद के घर का पहला दरवाजा तोड़ दिया है। इसके साथ ही बुलडोजर से जावेद के घर की बाउंड्री वॉल को भी गिरा दिया गया था। तो वहीं पुलिस अधिकारियों ने पहले ये साफ कर दिया था कि यदि दरवाजा नहीं खुला तो उसे तोड़कर अंदर से लोगों को निकाला जाएगा। मौके पर महिला पुलिस कर्मी भी तैनात की गई है, जिससे अगर महिला विरोध करे तो उसे भी नियंत्रित किया जा सके। पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने घर को खाली कराया और इसके बाद जावेद पंप के आलीशान मकान को तोड़े जाने लगा। जावेद के घर में कोई भी मौजूद नहीं था। जावेद के घर से भारी सामान पहले ही निकाल लिए गए थे। पहले मौके पर एक बुलडोजर पहुंचा और बाद में एक और बुलडोजर ने ध्वस्तीकरण शुरू किया। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।